देखिए, नोएडा कमिश्नरेट में हम लोगों ने पहले भी जो इस्पात के नाम पे देह व्यापार करने वाले सेंटर्स थे उनके विरुद्ध कार्रवाई की है। आप लोगों ने देखा होगा कि बड़े पैमाने पर हम लोगों ने छापेमारी की थी और काफ़ी लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई थी। इसी क्रम में हम लोगों के पास सूचना मिली थी कि जो सेक्टर 61 में सॉपरिक्स मॉल है, यहाँ पर भी एक निर्वाण नाम का इस्पात चल रहा है और ये तमाम आदेश और निर्देश के बावजूद भी इसको चलाया जा रहा है यहाँ पर, और यहाँ देह व्यापार का धंधा चल रहा है। इस सूचना पर एसीपी फर्स्ट और एसीपी सेकंड, उसके साथ हमारी एएसटी और बाकी हमारे थाने की टीम, यहाँ पे हम लोगों ने हमारी पूरी महिला पुलिस की टीम के साथ हम लोगों ने यहाँ छापेमारी की है। इसमें यहाँ पे देह व्यापार का धंधा होता हुआ पाया गया है। काफ़ी ऑब्जेक्शनेबल आइटम्स यहाँ मिले हैं, नारकोटिक्स के भी कुछ सब्सटेंस यहाँ मिले हैं, और यहाँ पर कुल 7 लोग कस्टमर और प्लस एक जो इसका मालिक है और इसके साथ एक मैनेजर है, इसको हम लोगों ने गिरफ्तार किया है। यहाँ पे 14 महिलाएं थीं, उनको हिरासत में लेके पूछताछ की जा रही है और इसके बारे में पूरा पता किया जा रहा है। जो आपत्तिजनक चीज़ें मिली हैं, जो यहाँ पे नारकोटिक सब्सटेंस मिला है, उसकी हम लोगों ने पैकिंग कराई है और इसके बाद जो वैधानिक कार्रवाई है वो कर रहे हैं। अभी तो इसकी जानकारी नहीं हो पाई है, तत्काल तो अभी हम लोगों ने जस्ट छापेमारी की है। इसमें इन लोगों को अभी हिरासत में लिया है। जो इसका मैनेजर है, जो मालिक है, उससे पूछताछ की जाएगी और तब पता चल पाएगा कि पहले भी चल रहा था। मॉल के मैनेजर तमाम लोगों को पता था इस तरीके से कार्य चल रहा है। देखिए, ये दिखी जाएगी। अभी हम लोग मॉल के जो मैनेजर हैं, बाकी जो सिक्योरिटी के लोग हैं, इन लोगों से हम लोग पूछताछ करेंगे। चांसेस ये है कि इनकी जानकारी में ये बातें हों, लेकिन हम लोग एक बार पूछताछ करके इसको वेरीफाई करेंगे। अगर संलिप्तता इनके भी है तो इनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी।